morning students. Good morning all of you. Now we are starting to next subject EBS, then chapter number 5 plants. Okay, yes, start. And what is date today? Yes, today is 25 September. And which day today? Yes, today is Friday. Okay, now yesterday humne kya dekha tha, hamare chapter mein humne kya kya dekha tha? Yes, seeds. What is meaning by seeds? Bataya tha maine aapko. Yes, seed means beech. Humne beech ko dekha bhi tha, maine explain bhi kiya tha and draw bhi kiya tha blackboard pe. Okay, aur kaafi sare bachche ne mujhe answers bhi reply mein diye, homework ko bhi karke show kiya, so very good. Okay, now next topic is hamara how to plants and tree help us. Yes, blackboard mein maine hamare topic ko show kiya hai, write down kiya hai. Okay, how to plants and tree help us. Kis prakar hamare plants hamari tree hame madad karte hain, okay, survive karne mein, rehne ke liye, hai na. To hame kya dekhna hai ki different types ki inki help hame dekhna hai. Okay, saath hi saath ye bhi dekhna hai ki tree kis kis cheezon mein hame help karta hai, kaise. Yes, important hai hamari life mein inka survive karna. हमारे लिए हमें सर्वाइव करना, ये हम हमारे टॉपिक में देखेंगे. ओके, सो ओपन योर कोर्स बुक अगेन. हर बार एक ही एक बार मैं वीडियो में कह रही हूं कि जब भी आपको वीडियो ऑन करना हो, आपके सब्जेक्ट का ऑन करना हो, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपकी बुक को आपको ओपन करके आपके पास आपके सामने रखना है. ओके, कि जिस चैप्टर को जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूं, सो वी आर यस एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड राइट डाउन ऑन योर वर्क, ऑन योर होमवर्क, ऑन योर क्लास वर्क. ओके, सो आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, आपके बुक में होना चाहिए. सो नाउ स्टार्टेड दिस टॉपिक हाउ डू प्लांट्स एंड ट्री हेल्प अस. ओके, सो प्लांट्स आर आवर डियरेस्ट फ्रेंड्स. क्या कहा जाता है कि प्लांट्स हमारे काफी अच्छे दोस्त कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सेल्फिश नहीं होते, है ना, स्वार्थ नहीं होता उनमें किसी प्रकार का, वह किसी प्रकार की डिमांड नहीं करते हमसे. यस, करते हैं क्या? देखा है आपने किसी ट्री को आपके घर के सामने आपने लगाया हो, तो वो आपसे क्या मांगता है? कभी खाना मांगता है या कभी खेलने के लिए कहता है? ऐसी किसी प्रकार की डिमांड आपसे करता है? नहीं करता ना. यस, बिकॉज ही इज इट इज वेरी यूजफुल एंड डियरेस्ट फ्रेंड. इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपको सिर्फ देना जानता है, आपसे कुछ लेना नहीं चाहता. आपको टाइम पर क्या करना होता है, सिर्फ उसको स्टार्टिंग में पानी देना होता है. यस, उसकी थोड़ी सी क्या केयर करनी होती है. बाद में वह पेड़ खुद आपको क्या करता है, उसका फल देता है. जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके घर में छोटा सा आम का पेड़ लगाया. सो जब वो छोटा पौधा था तो आपने उसकी केयर की. ओके, और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसने आपको क्या दिया? यस, अपने ही पेड़ के आम दिए. आपको कुछ देना पड़ा क्या उसको? नहीं, आपको तो सिर्फ एक बार उसकी केयर करनी पड़ी, उसकी रखवाली करनी पड़ी, है ना. उसको क्या करना पड़ा? पानी टाइम पर देना, वो भी आपने कुछ टाइम तक दिया होगा, क्योंकि ज्यादातर पेड़ बरसात के पानी से ही अपना क्या करते हैं, बढ़ना शुरू करते हैं, ग्रो होना शुरू करते हैं. ओके, और वही पेड़ आपको आपकी फर्स्ट पीढ़ी को, सेकेंड पीढ़ी को, मीन्स आपकी जनरेशन को. ओके, समझ रहे हैं आपको कि आपकी जनरेशन को वो क्या करेगा, फल देने का काम करेगा. जबकि आपने उसको एक ही बार आपने उसकी केयर की, बट वो पेड़ आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, आपको उस पेड़ के फल हमेशा के लिए मिलते रहेंगे. आपको मिलेंगे, आपके बच्चों को मिलेंगे, आपसे बड़े जो आगे आएंगे उनको मिलेंगे. सो क्या कहा जाता है, इसीलिए माना जाता है कि वो हमारा क्या कहलाता है, डियरेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड कहा जाता है. सम प्लांट्स ग्रो बिग एंड दे बिकम अ ट्री. क्या होते हैं, जब हम किसी पौधे को हम बचपन में लगाते हैं तो वह उस समय क्या कहलाता है, छोटा सा पौधा कहलाता है. बट कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे प्लांट बड़ा होने लगता है तो वो प्लांट खुद रहते हुए बिग ट्री बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो का ट्री ही देख ली चलो, जब वो छोटा होता है तो छोटा कहलाता है, बट कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद वो ग्रो अप हो
बड़ा ट्री लगाया था क्या, या अपने आप ही वो ट्री तैयार हो गया? नहीं, हमने पहले क्या किया, छोटे प्लांट को जमीन में लगाया और साथ ही साथ जैसे हमने उसकी थोड़ी सी केयर की, परवाह की, बट कुछ टाइम बाद वह अपने आप ही आपको देखना काफी बड़ा हो गया। सो वो प्लांट बिकम क्या बन गए, यस वो बनकर ट्री कहलाने लगा, बड़ा होने लगा। सो ट्रीज हैव मैनी यूजेस, क्या कहलाते हैं, ट्रीज के काफी सारे उपयोग होते हैं। सो वी कांट लिव विदाउट देम, हम उसके बिना नहीं सर्वाइव कर सकते, नहीं रह सकते। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस आर, उसके काफी सारे यूजेस हमें बताए गए हैं, सो हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ, क्या कहते हैं कि हमें क्या देता है, यस पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। श्वसन करने की क्रिया हमें पेड़ों के द्वारा ही मिलती है। तो श्वसन मींस क्या होता है, आपके लिए न्यू वर्ड है, उसका है ऑक्सीजन। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड होगा, किनके जरिए, पेड़ पौधों के जरिए। ओके, सो नेक्स्ट दे मेक एयर क्लीन, यस सेकंड क्या है, साथ ही साथ क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम मॉर्निंग वॉक में हम जाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स जाते हैं, ज्यादातर दादा दादी एल्डर पर्सन जब जाते हैं तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा क्यों जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह की एयर, सुबह का वातावरण हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। सुबह का यस मॉर्निंग वॉक में जो हवा चलती है वो कैसी होती है, वेरी क्लीन, है ना। एयर हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रो अप करता है, एनर्जेटिक बनाता है, किसे, हमारी बॉडी को। तो सो मॉर्निंग की एयर सबसे फ्रेशनेस एयर होती है। तो साथ ही साथ पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे आजू बाजू के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का वर्क करते हैं, एयर को क्लीन करने का वर्क करते हैं। ओके, दे प्रोवाइड अस विद फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यस मैंने जैसे कि बताया था आपको, हम पेड़ पौधों को कुछ देते हैं क्या, नहीं, उल्टा हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं, काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपने आपके घर के सामने बगीचे में छोटा सा मैंगो का ट्री लगाया होगा, देन नाना नजर बनाना ट्रीज लगाए होंगे, तो आपको कुछ दिनों के बाद उसी के फ्रूट्स आपको खाने के लिए मिलेंगे। तो ये हम दे रहे हैं ट्रीज को, ट्रीज हमें दे रहा है, यस कौन दे रहा है, ट्री हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि देखा होगा आपने काफी बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि सागवान का, शीशम का, यस जामुन का, आम का, ऐसे बड़े बड़े कई लकड़ियों के यूजेस हम क्या करते हैं, वुड का यूज हम हमारे घर में फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, साथ ही साथ काफी सारी चीजों को बनाने के लिए उसका यूज होता है। तो ये हमें कौन देता है, कौन देता है, यस ये हमें पेड़ों से मिलता है, पेड़ पौधों से या फिर बड़े बड़े ट्रीज से हमें ये प्रोवाइड होता है। दे ऑल्सो गिव अस अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, क्या करते हैं, साथ साथ हमें अलग अलग चीजों को प्रोवाइड करने का वर्क कौन करता है, प्लांट करते हैं। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, पेज नंबर 41, आपके पास यस ट्री बना हुआ नजर आ रहा है आपके इस पिक्चर में। सो आपके लिए होमवर्क भी यही होगा, आपको इस पिक्चर को आपकी कॉपी में यस कैसे ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है आपको, और साथ ही साथ ये सारे इसको वर्ड्स को मेंशन करना है, वहां पे आपको शो करना है। ओके, सो फर्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे पास किस इसमें आते हैं, एप्पल एंड मैंगो, वेजिटेबल्स सब्जियां जो हमारी डेली नीड्स हैं, है ना, जरूरत है हमारी, जिसे हम खाकर कैसे हमारी बॉडी को हम डेवलप करते हैं। ओके, और वेजिटेबल फ्रूट्स में यस जितने ज्यादा फ्रूट्स खाओगे उतने सारे मल्टीविटामिन्स मिनरल्स आपको आपकी बॉडी को प्रोवाइड होंगे। सो नेक्स्ट करेला पर्ल्स एंड ग्रेन्स, सीरियल्स पर्ल्स एंड ग्रेन्स मीन्स क्या आता है, ग्रेन्स में राइस वेट एंड मूंग, राइस मीन्स चावल, वेट मीन्स
यस, किस चीज से बनता है ऑयल? ऑयल के भी प्लांट्स होते हैं, देन सनफ्लावर एंड कोकोनट। कोकोनट मींस नारियल, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है? यस, ट्री से प्रोवाइड होता है। मेडिसिंस, मेडिसिंस में क्या क्या आता है? नीम, तुलसी एंड टर्मरिक। तो मेडिसिंस कैसे बनती हैं? तो ये भी किससे मिलती है? पेड़ पौधों से हमें तैयार मिलता है। हमें इसे इसके लाभ इसके फायदे भी देखे होंगे आपने। नीम, नीम की साबुन भी आती है, यस, और साथ ही साथ तुलसी, तुलसी का सिरप भी आता है, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। टर्मरिक मीन्स हल्दी, जो कि हम डेली यूज में यूज करते हैं खाना बनाते समय। ओके, टी एंड कॉफी, दीज आर ऑल्सो प्रोवाइड इन ट्री। ये भी हमें किससे मिलता है? ट्री से प्रोवाइड होता है। फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, तो फूड, फूड भी हमें किससे मिलता है? अधिकतर हमें खाना किससे मिलता है? वेजिटेबल्स, यस, ग्रेन्स जो भी होता है वो पेड़ों पौधों से ही मिलता है। फाइबर टू मेक क्लॉथ मीन्स फाइबर, कॉटन एंड जूट, ये भी हमें कैसा होता है? प्लांट से तैयार करने के लिए हम कोशिश करते हैं और काफी बार बनता भी है, मिलता भी। कॉटन एंड वुड फॉर फर्नीचर, साल एंड ओक मीन्स फर्नीचर भी हमें किससे मिलता बनता है? लकड़ियों से। तो ये सारी चीजों को हम किससे तैयार कर सकते हैं? पेड़ पौधों से, ट्री से, प्लांट से। ओके, सो आप लोगों को ये आपकी कॉपी में इसको पिक्चर को शो करना है। ओके, ड्राइंग बनानी है इसकी। बस आपको साथ साथ ये भी करना है, उसके यूजेस भी बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया है, आपकी बुक में शो किया गया है, सो उसी टाइप से आपको भी क्या करना है, आपकी कॉपी में इसे रेडी करना है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही है। हमने और देखा कि प्लांट्स और ट्री हमें क्या क्या देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के लिए लेट्स ट्राई फॉर फूड फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स, जिसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स